हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। लास्ट व्लॉग में हम लोग हंसेश्वरी मंदिर, जो वेस्ट बंगाल का काफ़ी पुराना, लगभग 250 साल पुराना एक मंदिर, एक हिस्टोरिकल प्लेस, वहाँ पे गए थे। अभी हम लोग जा रहे हैं त्रिवेणी। त्रिवेणी का इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस यही है कि वहाँ पे ईस्टर्न इंडिया का सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट मॉस्क है, सेकेंड ओल्डेस्ट मॉस्क ऑफ ईस्टर्न इंडिया, और जफर खान गाजी साहब का वहाँ पे मज़ार है एक। तो चलते हैं, सामने मिराज, उसके पहले है रिजवान, और एकदम सामने कुणाल। जो एकदम गैंजेस के साथ जो पैरेलल रास्ता जाता है, उसी रोड पकड़ के हम लोग त्रिवेणी जाएंगे। तो रास्ता में ये व्यू मिला, काफी सुंदर जगह, जगह अच्छा लग रहा है। तो जर्नी रिज्यूम्स ऑन आर वे टू त्रिवेणी। अच्छा लगा यहाँ पे, सुंदर जगह है। और अभी निकलते हैं यहाँ से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। चलिए, त्रिवेणी घूमना हो गया कंप्लीट। जफर खान गाजी साहब का मज़ार है यहाँ पे, ये देख के हम लोग जा रहे हैं अपना हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन। एज डिसाइडेड, त्रिवेणी से हम लोग अभी जा रहे हैं बैंडल। वहाँ पे बैंडल चर्च, जो काफ़ी फेमस है, हिस्टोरिकल जगह है, वो भी बैंडल जा रहे हैं। हम लोग ये ब्रिज क्रॉस किए थे, ये ईश्वर गुप्ता सेतु है। यहाँ से बांसवाड़िया मंदिर का रास्ता था नीचे उतर के लेफ्ट, हम लोग यहाँ से सीधा जाएंगे टूवर्ड्स बैंडल। इस पे हम लोग मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किए, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था और मिठाई का क्वालिटी ऑसम था, ऑसम। यह है आपका बांसवाड़िया जो HS स्कूल है, इसी के ऑपोजिट में है शाहा स्वीट। तो अगर आप कभी भी यहाँ आते हो तो एक बार ट्राई ज़रूर कर लेना, बहुत ही अच्छा क्वालिटी। मेरे लेफ्ट साइड में गंगा नदी, उसी का पैरेलल ये रास्ता है। एंड वी आर हियर द हिस्टोरिक बैंडल चर्च। बहुत नाम सुना था बचपन से, आज फर्स्ट टाइम देखने का अपॉर्चुनिटी मिला मुझे। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, देखेंगे, पता नहीं गेट खुला होगा या नहीं। एज एक्सपेक्टेड, जो हम लोग डाउट कर रहे थे वही हुआ, कोविड रीजंस की वजह से चर्च बंद है, जो जाहिर सी बात है, पीछे नोटिस भी है टंगा हुआ।
बैंडल चर्च रिमेन्स क्लोज टू विजिटर्स एंड टू पिलग्रिम्स ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस एंड वी रिस्पेक्ट दैट। तो चलो बाहर से ही सही देख तो लिया। मेरे साथ है कुणाल, पीछे रिजवान। रिजवान का आज फर्स्ट टाइम हम लोगों के साथ आउटिंग हो रहा है। बट नॉट लास्ट। अरे उसे पूछो कैसा लग रहा है। तो रिजवान बोल दो कैसा लग रहा है। बढ़िया। तो नेक्स्ट टाइम पक्का। चलो तो मेरा और एक पार्टनर हो गया। चलो आज का राइड का फाइनल डेस्टिनेशन यहीं तक था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग अंदर जा नहीं पाए। बैंडल चर्च कोविड रीजंस के लिए बंद है, तो ये इंफॉर्मेशन था नहीं किसी के पास, नहीं तो यहाँ नहीं आते। चलो अच्छा है, राइड अच्छा रहा। एक चीज़ तो है इस जगह में जो मुझे फील हुआ कि यहाँ हर कोना में हिस्ट्री है। काफ़ी पुराना बिल्डिंग्स सब देखने को मिला यहाँ पे। अच्छा लगा, इस जगह पे मैं पहले कभी आया नहीं। हाँ, आने के टाइम तो यहाँ हालत ख़राब हो रहा है, बहुत गर्मी है भाई, गला सूख जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद पहले खड़ा होकर एक जगह पानी पिए, फिर अपना जर्नी शुरू किया हम लोग। बहुत गर्मी है तो रास्ता में मंजरीस मिला। कुणाल बोला भैया अंदर चलो, इसलिए आ गए। आंटी के साथ मुलाकात हुआ। यह है आंटी बहुत ही मस्त है, इतना बढ़िया बात करते हैं हम लोगों के साथ, काफ़ी फ्रेंडली होते। देखिए आप हंस रहे अभी भी। आंटी हेलो बोल दीजिए। हेलो। तो आंटी का शॉप कहाँ पर है? बीराटी बिग बाजार, उसके पास जो एक ही मोंजिनिस का दुकान है यही आंटी का है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, ठीक है। काफ़ी वैरायटी है, काफ़ी स्टॉक्स है। और भी करीब करीब 45 किलोमीटर है हम लोगों का घर, एक घंटा का रास्ता है अभी भी, एक से डेढ़ घंटा लगेगा। थोड़ा स्लो ही चला रहे हैं क्योंकि रिजवान के पास स्कूटी है, तो ज़्यादा स्पीड उठा नहीं पाएगा कंपेयर टू बाइक, इसलिए थोड़ा स्लोली जा रहे हैं हम लोग। चलिए कोई बात नहीं, सब मिल के आए हैं तो मिल के जाएंगे, मज़ा तो इसी में है। आपको अच्छा लगेगा। साइनिंग ऑफ।